हेलो दोस्तों, यूट्यूब बैनर बनाने के लिए आपका पिक्सल लैब बहुत ज़रूरी जानना। पिक्सल लैब जानना बहुत ज़रूरी। पिक्सल लैब से आप यूट्यूब बैनर से बैनर बना सकते हो, यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो। ये जो दिख रहा है ना आपको बैनर, ये यूट्यूब बैनर है। ये बैनर है यूट्यूब बैनर, कैसे कैसे बनाता है ये पूरा जानकारी देंगे हम। आप पूरा ध्यान से देखिए। इसके पहले आपको पिक्सल लैब को डाउनलोड करना पड़ेगा। पिक्सल लैब डाउनलोड करने के बाद हो आप इमेज सर्च ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके जरिए आप बना सकते हो। कैसे बनाते हैं आप हम दिखाते हैं, पूरा ध्यान से देखिए। इसके बाद ये हम बना के रखा इसलिए देखा, फिर से देखा था पहले से कैसे बनाता है। इसको काट देता हूँ, ये जो है इसको काट देता हूँ, फ्रेश करके लेता हूँ। यहाँ में आया है इमेज सर्च बटन, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यह जो देखा है इसको है कस्टम है यूट्यूब चैनल बैनर, इसमें क्लिक करना। यूट्यूब चैनल बैनर आ गया है, इसका जो साइज है वो आ गया है। इसके बाद क्लिक करना पड़ेगा। ओके में क्लिक कर दिया है। इसके क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करने के बाद हम इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं हम। ओके मैं चला गया। नेक्स्ट ये आ गया है, हम चले आते हैं पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में कहाँ है इसको देखता हूँ। पिक्सल लैब आ गया। पिक्सल लैब आने के बाद यह मैं सर्च बटन में इमेज सर्च कर दिया। इमेज में आ गया यूट्यूब चैनल बैनर। ओके मैं क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद ये पूरा है यूट्यूब चैनल के बना। इसके बाद हम प्लस में क्लिक करेंगे। प्लस में क्लिक करने के बाद हम सेव टू गैलरी, गैलरी में आएंगे। गैलरी में कुछ बैनर हम सेट करके रखा है पहले से, आप भी सेट कर सकते हो। हम ये भी टिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये चला आया है पूरे तरीके से। आने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद इसको सेट कर देते हैं। आप जो लिखना चाहे वो भी लिख सकते हो। इसमें क्लिक कर दो, प्लस बटन में क्लिक कर दो, प्लस में क्लिक कर दो, प्लस में उसको सेव्स कर सकते हो या सिर्फ मिडिल में काट सकते हो। इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ मैं चलाऊँ। इसमें आने के बाद टेक्सचर इसमें क्लिक कर दो, इसमें कुछ आप लिख सकते हो, कुछ पिक्चर भी लगा सकते हो, कुछ लिख सकते हो, जो मन चाहे आपको कर सकते हो। पूरा ध्यान से देखिए वीडियो को। हम यहाँ सेट कर दिया चैनल। आप और कुछ भी फोटो लगा सकते हो, जिसका चाहिए वो भी फोटो लगा सकते हो। प्लस में आया है, फिर भी गैलरी में आया है। यहाँ से कुछ फोटो ले लेता हूँ, जो फोटो चाहिए आप वो ले ले से। हम कैमरा का फोटो लेते हैं, कौन सा फोटो चाहिए मुझे वो ले लेता हूँ। बहुत सारा फोटो है, मुझे ये वाला फोटो चाहिए। ओपन कर लिया मैंने, इसको काट लेता हूँ। इसको आप जैसे चाहिए वो भी सेट कर सकते हो। इसको हम छोटा कर देते हैं।
इसको आप क्रॉप कर सकते हो। हम ऐसे करके काट लेते हैं, आप जैसे चाहिए वो भी काट ले। ओके, मैं क्लिक कर दिया, यहाँ मैं सेट कर देता हूँ। इसको ऐसे करके सेट कर सकता हूँ, ऐसे करके सेट कर दिया है। और कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हो आप। आप लिख सकते हो जो भी चाहिए वो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। प्लस आइकन में आया, टेक्स्ट में आया, या फिर आया क्लिक किया, कुछ भी ले सकते हो। हम लिख सकते हैं माय न्यू चैनल, कुछ भी लिख सकते हो। माय न्यू चैनल, ओके पर क्लिक कर दिया। जो चाहिए वो भी लिख सकते हो, लोगो भी लिख सकते हो। इसको हम कलर करते हैं, साइज बराबर है, कलर कर लेते हैं। ये कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कलर चाहिए, कौन सा डिजाइन चाहिए वो भी चूज कर लीजिए आप। माय न्यू चैनल, उसके बाद आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कौन सा बैकग्राउंड देना चाहिए आप ही को चूज करना पड़ेगा, जो चाहिए वो दे सकते हो। माय न्यू चैनल, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे भी रख दे सकते हो। इसको गैलरी में सेव कर सकते हो, सेव इमेज, सेव टू गैलरी। इसको सेव कर दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो और कुछ भी डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। न्यू चैनल सेट कर दिया, और यूट्यूब का फोटो भी लगा सकते हो, फेसबुक का फोटो भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। कुछ भी लगाना चाहते हो, प्लस आइकन में आएगा, इसको ड्रॉ कर सकते हो, गैलरी में सेव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी तक के लिए यही है, तो चलते आगे वीडियो में देखते हैं।